आईआईटी और यूपीएससी दोनों काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। वैसे काफ़ी आईआईटी यूपीएससी निकालते हैं, बट आईआईटी का सफ़र जो था वो काफ़ी सुखद था। यूपीएससी की तैयारी थी वो काफ़ी खट्टी मीठी तैयारी थी। कुछ आईआईटी का इम्पैक्ट भी हुआ पॉजिटिव, वहाँ जो मैंने कुछ सीखा वो चीज़ें यहाँ भी अप्लाई की, बट कुछ नई चीज़ें भी सीखनी पड़ी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि काफ़ी इंकरेजिंग, काफ़ी इम्प्रेसिव जर्नी रही मेरी। जो विद्यार्थी अभी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हैं, किस तरह से तैयारी करें? एक चीज़ मैं एडवाइस जो दे सकता हूँ, जो मैंने अपने इसमें बनाया, कि कंटेंट इज किंग। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जो आप कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल कंठस्थ हो आपको। आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो लिखने वाले हैं उसकी बिल्कुल सोच समझ परिपक्व हो, और जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो आपको एक्सप्रेस करने की क्षमता है उसको बिल्कुल इंप्रूव करके रखें। तीनों स्टेजेस के लिए जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करें। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? इसका श्रेय मेरे मम्मी पापा को जाता है, मेरे बड़े पापा को जाता है जिन्होंने शुरू से ही मुझे इस डायरेक्शन के लिए थोड़ा मोटिवेट किया, मेरे नाना जी को जाता है जिन्होंने इसके लिए मुझे आशीर्वाद दिया, और मुझे लगता है जो सुपौल और परसरमा के जितने भी लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ बना रहा है उन सबको जाता है। आज अपना घर आके कैसा लग रहा है? मैं काफ़ी समय बाद आ रहा हूँ यहाँ वापस, तो मुझे काफ़ी सारे नए चेहरे दिख रहे हैं जिनसे मैं मिल चुका हूँ बहुत पहले, बट ये 25-26 साल पुरानी बात है, तो अब उनसे दोबारा मिल करके मुझे खुशी हो रही है। बड़ों का आशीर्वाद और सबकी खुशी को देख करके मेरी खुशी दुगनी हो गई। तो मेरी खुशी तो है ही, लेकिन और लोगों की खुशी को देख करके मुझे बेहद खुशी हो रही है और मैं बहुत खुश। घर से आप क्या उम्मीद करती है, अपने घर के लिए, अपने जिले के लिए? वो उन्होंने नाम रोशन किया है और आगे क्या उम्मीद है उससे? वो बेहतर काम करेगा, क्योंकि मैंने उसको ऐसा संस्कार दिया है कि जहाँ का नमक खाए हो उसको तो उसके लिए जाने करो, खासकर जहाँ रहे हो, अपने स्कूल, अपने गुरुजन, अपने पेरेंट्स, अपने जो भी स्वजन परिजन सबके लिए। पहले तो अपना घर है, उसके बाद फिर अपना राज्य है, फिर देश है, फिर पूरा विश्व है। तो इसीलिए सबसे पहले अपने घर के लिए करेगा, फिर वो सबके लिए करेगा, पूरे विश्व के लिए उसके करने के लिए उसके मन में वो है। बहुत अच्छा लग रहा है कि जिसकी सेवा में हर्ष लग रहा है, आज खुशी हो रही है कि उसी के बीच में वह सम्मानित हो रहा है, और समाज सेवा और देश सेवा को उसने प्रण लिया है, और भारत की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने में ये सफल हो, यही कामना करते हैं। ABP News, आपको रखे आगे।